खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र से है, जहां कृष्णानगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजस्थान के कारोबारी के साथ शुक्रवार की देर शाम हुए लूटकांड के मामले में एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। बता दें कि राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ जनपद में अकोला थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित व्यापारी रवि पटवा भीलवाड़ा स्थित कार बाजार में कार खरीदने एवं बेचने का कार्य करते हैं, जहां करीब 2 वर्ष पूर्व उनकी मुलाकात लखनऊ के दुबग्गा निवासी विकी से हुई थी। विकी भी वहां कार बाजार में काम करता था। अयोध्या धाम घूमने आए राजस्थान के कारोबारी मनीष पटवा को शुक्रवार की शाम दोस्त विकी के कहने पर वह अपने ड्राइवर के साथ लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीनगर सुनहरा में विकी की साली सीता के घर आए थे। इस दौरान कारोबारी मनीष पटवा के साथ विकी एवं उसके 2 अन्य दोस्त भी थे, जहां ड्रिंक पार्टी के बाद विकी ने उसे डरा धमका एवं गाली गलौज कर फाइनेंस ऐप के माध्यम से $1,500 भारतीय मुद्रा के अनुसार 1,26,000 रुपये अपनी आईडी में ट्रांसफर करवा लिए। इसी के साथ साथ धोखेबाज दोस्त विकी ने अपने साथियों के संग मिलकर कारोबारी के गले से सोने की चेन, मोबाइल एवं उसकी कार लूट कर भाग गए। पीड़ित कारोबारी ने इसकी शिकायत शुक्रवार की रात कृष्णानगर थाने में विकी एवं उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस टीम ने लूट में शामिल सह अभियुक्त प्रद्युमन रावत को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के तहत जेल भेज दिया है। लुटेरे प्रद्युमन रावत के कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस लूट कांड का मुख्य अभियुक्त विकी एवं उसका एक अन्य साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।